अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मिडल ईस्टर्न रेसिपी जो है कफ्ता की, और ये मैं रमदान स्पेशल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको हम लोग फ्रीज़ भी करके रखेंगे। सबसे पहले बनाने के लिए हमें चाहिए एक स्पाइस मिक्स, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है ज़ीरा, ब्लैक पेपर, कॉर्न्स और सौंफ, जिनको हम लोग रोस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको बस पीस लेंगे। तो सारे चीज़ों को मैं अच्छे से पीस लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर एक चॉपर में मैंने एक बड़े साइज़ का अनियन ले लिया है, जिसको मैंने डाइस किया है, और साथ में मैंने ऐड किया है रेड बेल पेपर। अभी रेड बेल पेपर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर मिलता नहीं है, तो आप जो रेड चिल्ली आती है फ्रेश, जो मोटी वाली मिलती है, वो आप ज़रूर यूज़ कीजिए इसमें। और अगर आपको रेड बेल पेपर इजीली मिल जाता है तो आप रेड बेल पेपर यूज़ कीजिए, बट दो में से कोई एक चीज़ ज़रूर यूज़ कीजिए। और इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है कोरिएंडर, और सारी चीज़ों को मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। आप इसको अपने ब्लेंडर में भी पल्स करके पीस सकते हैं, और उसका सारा पानी हमें ड्रेन करना है। यहाँ पर खीमा है जो एक किलो जितना है, इसको मैंने एक बार लहसुन डाल के फिर से चॉपर में अच्छे से पीस लिया था, और उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर दिया जो हमारा स्पाइस मिक्स था वो, और जो हमने अनियन का मिक्सचर बनाया था वो। उसके साथ मैंने इसमें ऐड किया सॉल्ट टू टेस्ट, और साथ में मैंने ऐड किया केन पेपर और पेपरिका पाउडर। तो अगर आपके पास केन पेपर या पेपरिका पाउडर नहीं है, तो आपके पास कश्मीरी चिली ज़रूर रहती है घर पे, तो कश्मीरी चिली पाउडर आप इसमें डाल दीजिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, ज़रूर वहाँ से चेक कीजिए। अब हम इनको कफ्ता का शेप देंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अच्छे बॉल साइज़ का हम लोग पोर्शन लेंगे खीमे का, जिसको यहाँ पे मैंने देखिए बैम्बू का जो स्क्यूअर होता है छोटे साइज़ का, उस पर मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। तो हल्के हाथों से ही मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ, हाथों में मैंने पानी या तेल कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्टली बस मैं लेके इसको इस तरह से स्क्यूअर पे स्प्रेड कर रही हूँ अच्छे से एक शेप देने के लिए। तो आप बिल्कुल मत फिक्र कीजिए, अगर आप तेल पानी कुछ भी हाथ पे नहीं लगाएंगे तो ये ऐसा नहीं है कि हाथ पे आपके चिपकेगा, स्क्यूअर पे नहीं चिपकेगा, बहुत आसानी से आराम से ये चिपक जाएगा। खीमे में मेक श्योर कीजिए जब आप खीमा धोएंगे तो उसको अच्छे से ड्रेन कर लेंगे, उसका सारा पानी निकल जाना चाहिए, और तब जाके आप इसको पीसेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और मैं आपको करके दिखा रही हूँ, धीरे धीरे से करके आपको ना स्क्यूअर के ऊपर इसको फैलाना है, और उसके बाद इसके जो एंड्स है एंड्स को हमें सील कर देना है इस तरह दबाकर। तो सारे कफ्ता मैंने बना लिए थे, और उसके बाद मैंने क्या किया, स्क्यूअर से इनको तभी के तभी निकाल के इस तरह से बटर पेपर पर रख के लेयरिंग कर ली थी। लेयरिंग करके मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया था 1.5-2 घंटे के लिए, और ये आराम से फ्रीज़ हो गए थे। अब यहाँ पे देखिए हम इनको क्या करेंगे, निकाल के बैचेस में ज़िपलॉक पैक में डाल देंगे। मैंने बस दो ही बैचेस इसमें बनाए हैं, तो दो में मैंने 4-4 स्टोर किए हैं, ईच बैग में मैंने 4-4 कफ्ता स्टोर किए हैं, और 4 मैंने आपको बना के भी दिखाया है इस वीडियो में। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है आइटम का जो भी है, और साथ में मैंने डेट भी लिखा हुआ है जब मैंने इसको पैक किया है, ठीक है। इस तरह से बहुत इजीली आप इसको ज़िपलॉक में डाल के पैक करके आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको बना के दिखा रही हूँ, मेरे पास ये कास्ट आयरन स्किलेट है, मैं इन पे कफ्ता को आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ। अच्छे से मैंने इस पे ऑयल ड्रिजल कर लिया था, आप अगर चाहें तो नॉनस्टिक पैन में या फिर तवा पे भी इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इस पे मार्क आया है, अगर आप ग्रिलर वगैरह है आपके पास तो आप उस पे ज़रूर बनाइए। कफ्ता बहुत ही जूसी सा बनता है, सक्यूलेंट सा बनता है, और आप बिल्कुल मत फिक्र कीजिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको पकाइए और आपके जो कफ्ता है अच्छे से गल जाएगा। इसको मैंने सर्व किया था एक बहुत ज़बरदस्त डिप के साथ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है योगर्ट थिक वाला, इसमें मैंने ऐड किया लेमन जूस, गार्लिक पाउडर, और साथ में मैंने इसमें ऐड किया तहीना। तहीना बेसिकली होता है ससमे पेस्ट, और आजकल इंडिया में भी हर सुपरमार्केट में ये अवेलेबल है तकरीबन। इसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है सॉल्ट टू टेस्ट, और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल एक प्यारे ग्लेज और टेक्सचर के लिए, क्योंकि मिडल ईस्टर्न डिप्स में ऑलिव ऑयल होता ही है। आप अगर इसको खुबस के साथ खाएंगे, सर्व करेंगे तो बहुत टेस्टी बनती है। अपने इफ्तार पार्टी में, दावत में या फिर सहरी वगैरह में भी आप ये बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लजीज बनती है। मैं आपके साथ और भी आगे चल के रेसिपीज़ शेयर करूँगी रमदान की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।